अगले कॉलर हैं बिजनौर से, सुरेखा जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार मैडम मैम। जी मैम, पहले तो बात सुनो, मेरी भैंस सुननी बेटी की सुरेखा जी। हाँ ठीक। सुरेखा बहुत दिनों से लगा रही, लग नहीं रहा है नंबर आपके यहाँ, तो आपके यहाँ मेरा इलाज चल रहा करना से 2019 से चल रहा, सितंबर से, वो दिसंबर से, तो मैं दवाई अपने सुनती रहूँ खाती रहूँ, आपसे तो कई बार बात हो गई मेरी, पोती का भी चल रहा इलाज, 7 साल 8 साल की जो पोती है हमारी, वो ऐसा कर रहा है कि खाते टाइम ज्यादा कर रहा है वो सर, तो आपने मेथी का पानी पिलाया था, तो उसका कुछ आराम तो है, कब तक किया जाएगा, कुछ नुकसान तो ना दे जाने का बच्ची को। और ठीक। एक मेरा कई सारा सवाल है सर, पहले सुनते रहिए आप हाँ जी, हम मुझे, सुनते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, ये लिखती मेरा रहेगी। आपने नमक जैतून बताया था, मेरा तीसरा डब्बा चल रहा है, आप कहीं हक्का मंगवाया था क्या, आप और भिजवा दिए, एक काले गोंद का और एक जैतून नमक का, उधर से आपके तबीयत कैसी है? ऑर्डर से आ जाएगा तो और अच्छा आ जाएगा जरा सर, तो अपने साथ जी कहीं हक्का मंगाती हूँ मैं। और एक सवाल, ये मेरा वजन कम नहीं हो रहा, आपने सोचा कि उसको बताया था मैं पी रही हूँ, बस वजन कम नहीं हो रहा सर मेरा और तबीयत वैसे, और कैसी? मेरा जो ये लीवर किडनी होती है यहाँ, पहले तो एहसास रहता था, फिर अब लिफ्ट होने लगा खूब दर्द, अब मैं प्योर जा रही लगातार, आपने किसी को धनिया बताया था लीवर के उसमें यही सी घोल के, तो मैं धनिया ले रही 3 4 दिन से, तो ये दुखन जो है ये किस वजह से है सर, मैं डॉक्टर पर जाती हूँ डरती हूँ, डॉक्टर पर नहीं जाती हूँ, और ये सर मेरा वजन की ओर बता दिए सर, वजन बहुत ज्यादा है, नसों में तो दिक्कत मेरी है ही, जगह जगह गांठ बन गई है, डिड्डी डिड्डी सी हो गई, घुटनों से ऊपर को भी ज्यादा है, कितना और फायदा डिड्डी है बंद आपको? है, मेरा पैर भी पका था, उनका वैसे फायदा बहुत है मुझे, पर ज्यादा जो एहसास खड़े हुए रहता था चलते फिरते, वो लिटते हुए दुखने लगा था, और जब से मैं धनिया खा रही हूँ पता नहीं उससे है थोड़ा बहुत अंतर लग गया मुझे, 3 4 दिन तक शुरू करा धनिया उससे, और जैतून नमक के डिब्बे दे गई मैं 3 साल, वो आपने बताया था प्यास के लिए, मुझे प्यास लगने लगी थी बहुत दवाइयों से, वो गलती मेरी भी हो गई, और आपके यहाँ मैं घुस घुस के दवाई खाती रही ना मंगवा मंगवा के, आपकी अच्छी भी चल रही थी, मेरा पैर पक गया था, यही जो और नसों में दिक्कत आ गया, तो ये डॉक्टर ने बताया था कि अल्सर की बीमारी है नसों में जो पकिया में, ये तो बेबी मेरी पका ना, ऐसा दवा बताइए सर, बस आपको ऐसा बहुत परेशान हूँ मैं, ठीक है, जब ठीक गई है, यार मैं दवाई खा रही आपकी, मंगवा जाऊँ खाओ जाऊँ, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा हुआ आज फोन मिल गया। और देखिए, अल्सर जो है वो आंतों में होता है, नसों में नहीं होता। और अगर अल्सर है तो डॉक्टर की भी दवाई लिया करो, डॉक्टर से मत डरा करो। कभी कभी ये दोनों दवाइयाँ साथ में लिए लेनी होती है, फ़ायदा है आपको, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। अपने डॉक्टर के मशवरे में भी रहें, उनकी दवाएँ भी लें और ये भी लेते रहें। और बच्ची को फ़ायदा है, आप उसे काफ़ी दिन तक भी दे सकते हैं बच्ची को। और आप मशवरा करते रहें, मेरी से बात नहीं हो तो हमारे किसी लेडी डॉक्टर से, हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर भी हैं, जेंट्स भी हैं, पूरी बात खुल के कर सकते हैं। और मुझसे अच्छा मशवरा वो दे सकते हैं, मेरा तो नाम ही नाम है, मुझसे बेहतर डॉक्टर्स मेरे साथ रहते हैं जो आपकी कॉल पर बात कर सकते हैं। और फ़ायदा है तो जारी रखिए, और कुछ और भी इलाज लेना चाहें साथ में अगर डॉक्टर का, एलोपैथ का, तो ले सकते हैं, वो भी दवाइयाँ बुरी नहीं होती, और कभी कभी फौरी फ़ायदे के लिए वो ले लिया करिए। और ये आप नुस्खा तो सही ले रहे हैं, इसे लेते रहें। और एनिमल फैट बंद कर दें, चर्बी जो एनिमल फैट यानी दूध, और ये आपका घी, मक्खन और मांस, ये बंद कर दें। और वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल किया करें, भगवान से मदद मांगें, आपको फ़ायदा है तो हो सकता है आपका ज़्यादा इम्तिहान भगवान ले रहा हो, लेकिन आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तो मोटापे के लिए भी हकीम साहब इनको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। हाँ, एनिमल फैट और कम खाना खाएं, और अगर इससे वैसे मोटापा कम होना चाहिए था,
अगर नहीं हो रहा किसी सूरत तो वो जीरे का सिरका आता है, वो दो दो चम्मच दो तीन बार पिए पानी मिला के या सब्जी सालन मिला के, उससे भी वो भी मोटापे का दुश्मन है जी। पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार वीर जी। जय हिंद, स्वागत है आपका। अभी कल को ना एक मैडम ने, बहन ने कहा था कि उसकी नूह को बहुत ज्यादा फर्क है, पागलपन का दौरा पड़ता था, पागलपन था उसको। हाँ। वो बोल रही थी कि उनको कुएं में चाल मारती थी और करंट भी लगते थे, वो ठीक है। मैं कहती हूँ इसको आप व्हाट्सएप पे फ्रंट पेज में डाल दो जरा, जो सभी देखे बहुत अच्छा उसको रिजल्ट दे रहे थे, आराम आया। मैं चाहती हूँ कि फ्रंट पेज में जरूर डाल दो इसको, जिसको सभी लोग देखें कि कितना फायदा होता है इस बीमारी से। जी जी, रात से रात मिलती है सभी को। और कोई सवाल आपका लता जी? हाँ जी, मेरा सवाल यह है, जो आप जैतून का सिक्का हो गया, जीरे का, और इनसे सबसे कम खट्टा कौन सा होता है? सबसे सभी बराबर होते हैं, कौन सा होता है सिरका? ये सब बराबर होते हैं। अच्छा देखिए, सिरका जितना पुराना होगा उतना खट्टा होता जाता है। सिरका जब शुरू में होता है तो बहुत मामूली खट्टा होता है, जब अव्वल एक महीने में दो महीने में थोड़ा और ज़्यादा, पुराना होता जाता है खट्टा होता जाता है। फिर अगर एक साल का हो तो वो तो जबान पर नहीं रखा जाता, अंदर तक ऐसा लगता है चीरता हुआ चला जाएगा। तो सिरका जितना पुराना इतना अच्छा, इतना खट्टा। और जिन लोगों को खट्टा नहीं चले वो ना लिया करें, और यह लें तो फिर उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला कर लें तो उसकी तासीर थोड़ी थोड़ी सी गर्म हो जाती है। और वो नुस्खा देखिए यह है, मानसिक तनाव हो और परेशानी हो, डिप्रेशन हो, उल्टी सीधी बातें करता हो, गुस्सा करता हो मरीज़, तो अच्छा नुस्खा ये है कि धनिए को आप पाउडर बना के रख लें। और डॉक्टरों की दवाएं भी देती रहे, मैं कभी मना नहीं करता डॉक्टर्स की दवाओं को, तो हालांकि वो नींद की दवाएं होती है सारी, ये नींद की नहीं है, ये सुकून की होती है। तो इसमें धनिया एक चम्मच और इसमें एक चुटकी नमक जैतून मिला के, या पानी में दो 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 गिलास पानी में नमक जैतून मिला है, एक चम्मच ये जीरा खाया करें, तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। और तीन चार महीने लग सकते हैं, जैसे उनकी बहू को फ़ायदा हुआ ऐसे ही किसी भी मरीज़ को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये ख़ास बात यह है कि उस मरीज़ को बड़ी सहायता की ज़रूरत रहती है, यानी बातचीत की सहायता, कोई उनको अगेंस्ट ना जाए। वो मरीज़ कितना ही बुरा हो, कितना ही आपको गालियाँ दे रहा हो, बुरा भला कह रहा हो, आप उसको जवाब ना दें, बल्कि उनकी जो अच्छी बातें उनका जिक्र करें कि इसमें ये अच्छाई है। अगर गुस्सा भी करता है तो कहो कि नहीं ये तो गुस्सा ही नहीं करता है, ये तो बहुत कम गुस्सा करते हैं, ये तो बहुत सब्र करते हैं, बहुत संयम रखते हैं। और जो लोग उनके अपने हैं जिनको वो पसंद करते हैं खुद, उनसे भी यही सब करें, उनकी सोहबत हासिल करें, उनके साथ खूब बैठें उठें, तो कुछ इलाज उनकी बातों से और कुछ दवाओं से किया जा सकता है जी। अंबाला से हैं नवनीत जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। नमस्कार सर। जय हिंद नवनीत जी। सर मैंने ना अपनी सिस्टर इन लॉ है जो, उसकी बेटी के बारे में पूछना था। सर वो ना अभी 10 साल की हुई है और उसको पीरियड होने लगे अभी से, तो उसकी हाइट के लिए पूछना था, और ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें, ये भी पूछना था। ठीक है। अच्छा देखिए, अब बेशतर अब बच्चों को, बच्चियों को 10 साल में पीरियड आ जाते हैं, और ये कोई फिक्र की बात नहीं है। और अभी गोंद मोरिंगा सफ़ेद आप उन्हें दे सकते हैं, अभी कम उम्र है, आधा ग्राम
सुबह आधा ग्राम शाम, शहद में मिला के या दूध के साथ या पानी के साथ या नारियल पानी के साथ, जैसे भी वो पसंद करें, आधा आधा ग्राम दो हिस्सों में दें। वैसे 12 साल के लोगों को मैं 1 ग्राम एक बार खिलाने को कहता हूँ, लेकिन इनको दो हिस्सों में खिलाएं क्योंकि ये 10 साल के हैं, और कोई फिक्र की बात नहीं है, खूब दुआएं करेंगे इनके लिए और ये इनकी सेहत अच्छी हो, लंबा कद हो और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें जी। नंदिनी परिहार हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। चेहरा में पिंपल्स निकले हैं 2 साल से। आपकी एज कितनी है? 22 साल। ठीक है जी। देखिए बड़ा अच्छा नुस्खा है पिंपल्स के लिए, धनिए को पाउडर बना लें। धनिया तो आप जानती हैं, धनिए का पाउडर आप आधा चम्मच खाएं या 1 चम्मच खाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून लें, असली वाला, नकली मत ले लेना। ये 2 गिलास पानी मिलाएं नमक जैतून, और ये पानी पी लें आधा या 1 चम्मच धनिया खा के, बस पूरे दिन में 1 बार। इससे आपके बड़े फायदे होते हैं, ये आपके मुहासों को रोकता है, ये एसिडिटी को कम करता है, जिस वजह से मुहासे निकलते हैं, गर्मी से, पेट की गर्मी से, जवानी की गर्मी से और खून की गर्मी से, ये उसको ज़रूरत के मुताबिक लाता है, और फिर एसिडिटी, कब्ज़, भूख, और चेहरा बहुत अच्छा इससे खिल कर आता है, और आपके बालों को भी फ़ायदा करता है, और बहुत सारे फ़ायदे करता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। महाराष्ट्र से हैं आसमा, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वाले सलाम आसमा, बहुत दिन में बात हो रही। हकीम साहब मेरे को ना नजला था ना वो सही हो गया हकीम साहब, और ना मेरे को खा के 4 महीना हो गया, मेरे को ना नजला एकदम सही हो गया अभी, तो हकीम साहब मैं छोड़ सकती उसको? नहीं अभी नहीं, 5-6 महीने खाना है, और वो सारे परहेज करने हैं, और मुझे नहीं लगता 4 महीने हो गए, मुझे तो लग रहा है कि 2 महीने या 2.5 महीने हुए हैं। आप बिल्कुल बेईमानी से वो ना करें, पूरे 4-5 महीने तो खाना ही है, 1 महीना और खाएं फिर आप छोड़ सकते हैं, फिर आप वो नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी इस्तेमाल करने की आपको जल्दी है जी। चंडीगढ़ से हैं रजनी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, मेरी मासी है वो 70 साल की एज की है, उनकी बॉडी में बहुत पेन रहता है और उनको नसों की प्रॉब्लम भी है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने इतनी उम्र दराज अजीज को बारे में सोचते हैं, भगवान आपसे बड़ा खुश होगा। अच्छा देखिए, नसों में हो, जोड़ों में दर्द हो, पट्ठों में हो, घुटनों में हो, कमर में हो, हाथों, कहीं भी दर्द हो, दुनिया का बेहतरीन रॉ मटेरियल मैं बताता हूँ, सबको बताता हूँ, हर घर तक पहुँचता जा रहा है, इसे कहते हैं गौंद स्याह, काला गौंद, ये असली खरीद लें, नकली बहुत मिलता है। अच्छा धनिया लें, उसका पाउडर बना लें, 1 आधा चम्मच धनिया लें और 1/2 ग्राम गौंद स्याह, धनिया तो बेईमानी नहीं होती उसमें, लेकिन गौंद स्याह नकली भी मिल जाता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी, 1/2 ग्राम गौंद स्याह, 1/2 चम्मच धनिया, इसे मलाई में मिला के, शहद में मिला के या देसी घी में मिला के 1 चम्मच ले लें देसी घी, और इन्हें खिला दें पानी से, दूध से, जूस से, नारियल पानी से, जैसा भी इनको आसानी हो। एक ये एक खुराक सुबह नाश्ते के बाद, 1 रात को खाने के बाद बस खिला दिया करें, बहुत फ़ायदा इनके तमाम जोड़ों को, तमाम नसों को, तमाम डिस्क को, तमाम पट्टों को, और ये फिर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर 100 ग्राम भी मिल गया आपको
देखो ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, वो आधा आधा ग्राम दो हिस्सों में खाना है, खाने के बाद ही खाना है, और ये 100 ग्राम ख़त्म नहीं हो पाता कि लोगों को फ़ायदा मुमकिन होता है।